अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मैमूना मरियम एंड वेलकम टू चैनल नेचुरल ग्लैम ब्यूटी। आज का जो मेकअप है वो है रोज़ गोल्ड मेकअप के, यानी कि हम एक रोज़ गोल्ड मेकअप किस तरह से रीफ कर सकते हैं। ये आप वेडिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, पार्टी वेयर भी यूज़ कर सकते हैं एंड कहीं कोई से भी फंक्शन पर जाते वक्त भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इजी बताऊंगी, टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगी जो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। हर वीडियो में कोई ना कोई मेरी न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं एंड जो है इस वीडियो में भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव टिप्स होंगी जो कि आपको मैं शेयर करूंगी आपके साथ। इसके लिए मेक श्योर मेरी पूरी वीडियो को देखिएगा एंड वीडियो को देखते देखते लाइक भी कर दीजिएगा, ये कर दीजिएगा अपने सब्सक्राइब टू माई चैनल और प्यारे प्यारे कमेंट्स करना मत भूलिएगा। जो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। ब्रशिल का वाइटामिन सी सीरम है, आप कोई सा भी सीरम ले सकते हैं, ये इसलिए कि हमारी जो स्किन है वो प्रेप हो जाए, मतलब कि हाइड्रेट हो जाए। ठीक है, एंड देन मैं आइकॉनिक का इल्यूमिनेटर लूंगी और उसको अपनी फेस पे लगा लूंगी ताकि जो अंदर से ग्लो करें मेरी स्किन जो है ना। ये नहीं है, ये ऑप्शनल है, मैं जो चीज़ें यूज़ कर रही हूँ जरूरी नहीं है वो यूज़ करें। यहाँ पे मैं क्रिस्टाइन का प्राइमर लूँगी, पॉरफेट प्राइमर है, इसको ज़रा सा लेके अपने फिंगर पे और अपने पूरे फेस पे लगा लूँगी अच्छे तरीके से। ये इसलिए कि फेस जो है, बेस जो है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाए। यहाँ पे मैं बोटैनिक्स की बेस लूँगी और उसको डॉट डॉट करके अपने फुल फेस पे लगा लूँगी। ब्यूटी ब्लेंडर जो है वो मैं वेट करके यूज़ करूँगी, गीला करके उसको निचोड़ लूँगी अच्छे तरीके से ताकि जो बेस है वो फ्लॉलेस बने। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्यूटी फेयर पे आमना का ब्यूटी ब्लेंडर है और उसको डैप डैप करके मैं अपने फुल फेस पे अपनी बेस को अच्छे तरीके से बिठा लूँगी, ब्लेंड कर लूँगी। ठीक है, अच्छे तरीके से अपनी नोज़ के, अपनी आइज़ के अराउंड हर जगह आपने अच्छे तरीके से बेस को ब्लेंड कर देना है एंड अपनी जो कलमें होती हैं वहाँ पे भी, और यहाँ पे मैं नेक पे लगाऊंगी अब अपने बेस, क्योंकि मैं बेस नेक पे लगाना भूल जाती हूँ, आपने नहीं बोलना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बेस को नेक पे लगा लूँगी क्योंकि लाइट जो होती है ना वो मेरी फ्रंट पर पड़ती है तो इसलिए मेरी नेक थोड़ी डार्क लगती है, अदरवाइज़ है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्रिस्टाइन का कॉम्पैक्ट पाउडर लूँगी और उसको अपनी आइज़ के राउंड एंड जहाँ जहाँ लाफ लाइंस पड़ती हैं, लाइंस वगैरह पड़ती हैं वहाँ पे सेट कर लूँगी। ठीक हो गया, यहाँ पे मैं क्रिस्टाइन का कंटूर पैलेट लूँगी और उससे अपनी आईब्रो को डार्क वाले जो ब्राउन शेड है उससे अपनी आईब्रो को फिल कर लूँगी, अच्छे तरीके से शेप दे दूँगी। सबसे पहले आप ऊपर से शेप में उसको लाइन करेंगे, अपनी आईब्रो से ज़्यादा ऊपर नहीं जाएंगे। ठीक है, और जो आगे वाली जो बॉक्स होता है अपनी आईब्रो का जहाँ से स्टार्ट होती हैं वहाँ पे आपने बॉक्स नहीं बना देना। ठीक है, वहाँ पे नेचुरल करने के लिए आप ब्रश को ऊपर की तरफ इस तरह से करेंगे तो वो नेचुरल लगेंगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं स्पूली की हेल्प से उसको यानी कि स्मर्ज कर लूँगी ताकि ये जो ब्लेंड हो जाए जो शेड मैंने लगाया है। अब यहाँ पे मैं हुदा बिजर की पैलेट लूँगी, वहाँ से ये पीची ऑरेंज शेड लूँगी और उसको अपनी आउटर कॉर्नर पे रखूँगी आइज़ की एंड उसको अंदर की तरफ ब्लेंड करूँगी। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ी सी क्लोज आ गई हूँ ताकि आपको सही से समझ आ जाए। यहाँ पर मैं अपने आउटर कॉर्नर पर रख रही हूँ, फ्लफ़ी ब्रश ले रही हूँ, ये एरेज का फ्लफ़ी ब्रश है, ब्लेंडिंग ब्रश। आउटर कॉर्नर पर रख के उसको इनर कॉर्नर तक यानी कि आपने लेके आना है आइज़ के, आपने क्रीज लाइन पर नहीं करना, आपने क्रीज लाइन से ऊपर यानी कि जो आपकी आईब्रो की बोन होती है ना वहाँ पे ये शेड को एक्चुअली में अप्लाई करना होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से अप्लाई कर लिया। अब यहाँ पे मैं लूँगी डार्क मेहरून कलर का शेड लूँगी और उसको डस्ट आउट करूँगी सबसे पहले एंड आउटर कॉर्नर पे रख के उसको अपनी क्रीज लाइन के अंदर लगाऊँगी। ये इसलिए कि हमारी जो आइज़ है ना, हमने रोज़ गोल्ड मेकअप करना है तो ये जो हाइलाइट सा मैरून शेड होता है ना, ज़्यादा फुल डार्क भी नहीं और ज़्यादा लाइट भी नहीं, मतलब जो यानी कि आपको लगे कि मैरून है, लाइट मैरून कलर है। ठीक है, वो आप अपनी क्रीज लाइन के अंदर लगाना है, आउटर कॉर्नर पे रखना है एंड उसको इनर कॉर्नर तक लेके जाना है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि मेरी आइज़ के अंदर कितनी अच्छी डेप्थ आ चुकी है इसको लगाने के बाद। अब मैं कोई सी पे फ्लफी ब्रश लूँगी और ये जो ऑरेंज पीची शेड और मेहरून शेड को आपस में ब्लेंड कर दूँगी अच्छे तरीके से। यहाँ पे मैं लाइट पीची शेड लूँगी, जो ऑरेंज शेड मैंने लगाया था ट्रांजिशन, उसको मैं अपनी लोअर लैश लाइन के नीचे लगा लूँगी। यहाँ पे रिवाज जो क्योंकि मिनी पैलेट है, इसमें मुझे ये शेड मिला रोज़ गोल्ड, ये मैं अपनी आईलिड के ऊपर लगा लूँगी। अगर आप चाहते हैं आपकी पिगमेंट ज़्यादा आए तो आपने यानी कि फिंगर को गीला करके या ब्रश की हेल्प से लगा रहे हैं या फिंगर की हेल्प से लगा रहे हैं, ठीक है, उसको गीला करके आपने लगाना है। फिंगर की हेल्प से ये है कि आपको पता होता है कि आपने कहाँ कहाँ तक लगा रहे हैं,
फिंगर की हेल्प से ज़्यादा अच्छे से लग जाता है। मैं तो कहती हूँ फिंगर की हेल्प से लगाया करें, क्योंकि फिंगर की हेल्प से ब्लेंडिंग भी साथ साथ हो जाती है आपके आई शेडो की। ठीक है, अब यहाँ पे मैं वही वाला शेड ले रही हूँ, ये जो मैंने लगाया था रोज़ गोल्ड शेड, शिमरी शेड है, थोड़ा सा ना लाइट शिमरी शेड है। इसको मैं अपने लोअर लैश लाइन के नीचे लगा लूँगी और पूरी लोअर लैश लाइन के नीचे लगाऊंगी। इससे हम आपकी आईज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगेंगी इसको, इस शेड को लगाने से। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आईलाइनर ले रही हूँ, यनकिनो का हेयर आईलाइनर यहाँ पे, और मैं इसको अपनी लिप पे लगाऊंगी सबसे पहले, एंड ज़्यादा विंग नहीं बनाऊंगी क्योंकि मैंने लैशेस लगानी है, जस्ट इसलिए मैं लगा रही हूँ। ठीक है, लैशेस लगाने से पहले आप लाइनर लाजमी लगाएंगे, इस तरह से लैशेस की जो वो जो लाइन होती है ना, जहाँ पे लैशेस जुड़ी हुई होती हैं, वो चीज़ नज़र आती है तो अच्छी नहीं लगती। उसके ऊपर उसको लगाने के बाद लगाएं या उसको लगाने से पहले लगाएं। यहाँ पे मैं वही क्रिस्टाइन की कंट्रोल किट लूँगी और उसको अपने नोज पे कंट्रोल कर लूँगी, एंड अपनी चेक बोन पे कंट्रोलिंग मैंने आपको सिखा चुकी हूँ, आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं नोज की कंट्रोलिंग करूँगी एंड अपने चेक बोन की कंट्रोलिंग करूँगी जहाँ जहाँ आपको लगता है। अब मैं यहाँ पे ब्लश यूज़ करूँगी, ये मैंने क्लैजोना का ब्लश यूज़ किया था, 03 नंबर है इसका, और इसको चिन पे लगा लूँगी एंड अपने कंटोरिंग जहाँ की थी उसके साथ मर्ज कर दूँगी। ओके, हो गया। अब यहाँ पे मैं हैंग फैंग का मस्कारा यूज़ करूँगी, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, हालांकि बहुत मैबलिन के मस्कारा भी हैं, बट ये मुझे अच्छा लगता है क्योंकि ये ईजिली ना आपकी आईज से निकल जाता है, फेस वॉश करें तो निकल जाता है, ये ज़्यादा मुझे चाहिए नहीं ना वाटरप्रूफ। यहाँ पे मैंने न्यूट वालों की लैशेस ली हैं और उसको अपनी आई यानी कि रख रही हूँ, लिप के ऊपर रख रही हूँ, एंड उसको आउटर कॉर्नर से चिपकाऊंगी, फिर इनर कॉर्नर से चिपका लूँगी। ठीक है, ग्लू मैंने क्रिस्टाइन की यूज़ की थी, क्रिस्टाइन की ग्लू आप लगाने के बाद उसको एक मिनट के लिए रख देंगे ताकि वो थोड़ी सी स्टिकी हो जाए, स्टिकी होने के बाद आप उसको लगाएंगे लैशेस को। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आउटर कॉर्नर बना लूँगी, आउटर कॉर्नर आपने ये चीज़ लाजमी बनानी है लैशेस के बाद, क्योंकि लैशेस जो है अपनी अपनी लगती हैं। अब यहाँ पे मैं दो लिपस्टिक्स लूँगी, मुझे ब्रांड याद नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, मुझे याद नहीं है क्योंकि इसके जो वो ब्रांड नेम है ना वो मिट चुके हैं बिल्कुल। अब यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे लाइट जो शेड है वो तो ज़्यादा लाइट हो गया है, यहाँ पे मैं उसको थोड़ा डार्क करने के लिए, थोड़ा सा अपनी आईज़ के साथ मैच करने के लिए उसको लगा रही हूँ डार्क शेड, यहाँ पे मैंने लगा लिया। यहाँ पे मैंने अब ब्यूटी वर्ल्ड की पैलेट यूज़ की है, हाइलाइटर पैलेट, उसमें से मैं ये जो शेड है ना, ये वाला पीची सा शेड है ये, ठीक है, रोज़ी शेड, यही लूँगी मैं अपनी आई चीक बोन पे लगाने के लिए। इसको मैं अपनी अच्छे तरीके से चीक बोन पे लगा लूँगी एंड अपने आपने नोज़ पे भी लगा लें, चिन पे, फॉरहेड पे, जहाँ जहाँ आपको यानी कि पसंद है ना हाइलाइटर। हाइलाइटर जो होता है वो आपकी, आपका अगर छोटा फेस है ना तो आप हाइलाइटर ज़्यादा यूज़ करेंगे, वो इसलिए ज़्यादा यूज़ करेंगे, आपका जो फेस है वो थोड़ा सा बड़ा लगेगा और अच्छा इन्हेंस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मेरा मेकअप होता है डन। अब आप देख सकते हैं कि मेरी लुक जो है वो बहुत प्यारी लग रही है, बहुत प्यारा मेकअप है, रियलिटी में ना तो इससे भी ज़्यादा प्यारा लगता है। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, मेरा मेकअप अच्छा लगे, मेरी टिप्स अच्छी लगें, तो मेक श्योर मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, एंड मैं अपनी हर वीडियो में जो है न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स देती हूँ जो कि आप फॉलो करते हैं, नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस कर दीजिएगा, उसको रेड को ब्लैक कर दीजिएगा ताकि, और ऑल पे ले जाइएगा ताकि जो मैं वीडियो डालूँ आप तक नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए। ठीक है, आप देख सकते हैं कि मेरी बेस भी बहुत अच्छी लग रही है, मेरा हाइलाइटर भी सटल सा है, एंड मेकअप जो है वो बहुत डिसेंट लुक दे रहा है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, अगेन कह रही हूँ, एंड सब्सक्राइब, और आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं एंड लाइक करना भी भूल जाते हैं, सो इसलिए मैं बार बार कहती हूँ। मिलती हूँ अपनी नई वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।